वाह, कपड़े तो हो गए रेडी, अब जाता हूँ काम पे। जल्दी देख जाए कहीं होगा यहाँ पे बाली, मुझे तो नहीं दिख रहा मेरे भाई। क्या वो बाली? मेरा यार इसने देखो कहीं पे मेरा कच्चा घूम कर दिया। कच्चा? हाँ ना वे भाई, मेरे को नहीं पता, सोनिया को पता होगा, उसी ने कमरे की सफाई करी है। अभी तक कमरे की सफाई हुई नहीं, हुई होती ना तो ये बेडशीट और ये कपड़े भी उठे हुए होते मेरे बेटे। उसको मत देख, वो पड़ा ही रहता, वो हट ही नहीं सकता वहाँ से। अच्छा, हाँ डिजाइन है वो। ठीक है बाली, तू किधर जा रहा मेरे बेटे, इतना तैयार शैयार हो के? बाली मैं दुकान जा रहा हूँ ना यूसुफ भाई की। बाली? हाँ मेरे बेटे, तुम्हारा कच्चा ये पड़ा हुआ? अरे अरे हाँ फाटो किया ना मेरा कच्चा, मैं तेरे को बोल रहा था। हाँ अच्छा, थैंक यू सजम, यू वेलकम। कैसी हो सोनिया? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक ही हूँ। नाश्ते में कुछ है क्या? सुबह बनाया था 11 बजे, तुम अभी 2 बजे सो के उठ रहे हो। 2 नहीं 1 बज रहा है। हाँ तो वही तो, मुझे नाश्ता दो ना। मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ बेटा। बाली बाली, अभी बाली को बोलता हूँ। बाली? हाँ मेरे बेटे। सोनिया मुझे नाश्ता नहीं दे रही, उसने 11 बजे नाश्ता बनाया था और ये मेरा आज से ऑर्डर है, 11 बजे इस घर में नाश्ता बनेगा, उसके बाद नाश्ता किसी को नहीं मिलेगा जो जैसे सोचा उठेगा, इसलिए ये सब भी सुबह का नाश्ता करके कब का दुकान पर जा चुका है। तो मुझे क्यों नहीं उठाया? तुमको बहुत उठाया, तुम उठे ही नहीं मेरे भाई, तुम पता नहीं क्या करके सोते हो मुट्ठी मार के। आ जाओ तो मैं भी नाश्ता नहीं लूँ? बाहर से जाके नाश्ता कर चल, तेरे बाप की नौकर नहीं है वो। तुम बड़े मस्त हो, तुम तुम्हें वो आ रहा है तुम्हें उस पर लाड प्यार? लाड प्यार नहीं आ रहा, और जाते मेरे बेटे, गलती करी करी लेकिन उसको इतनी भी सजा मत दो, चलो दफा यहाँ से। ठीक है बाली। सुन ली तूने बातें? तेरा तो वैसे भी कुछ काम नहीं है, तू नौकर बन के रह गई इस घर की। मैं नौकर रहूं या कुछ भी, इस घर में हूँ, छत मिली है मुझे बहुत है। तू तो चाहती है ये ना, एक दिन तू ये घर भी बेच देगी, लेकिन बेच ही नहीं सकती, ये घर तो हमारा है ही नहीं, ये किराए पर है। जा यार सलीम अपना काम कर, मुझे तंग नहीं कर सफाई करने दे। हाँ कर, तू झुक के सफाई कर। पैदल है? यूसुफ भाई गाड़ी लेके नहीं गए? इसी पे चला जाता हूँ, मैं यही सोचा था कि पैदल जाना पड़ेगा इतनी दूर तक मुझे, ये तो वेरी नाइस हो गया। चलो गाड़ी गर्म कर लेते हैं। जटनी पंजाबी नहीं दुनिया, ओ वाह, ओ भाई ओ संभल के, ओ क्या कर रहे हो? राइडर हो? बड़ी जल्दी आ गए भाई तुम, आने दो आने दो, बहुत जगह है, आने दो, आ जाओ लगेगी आवाज आएगी, आ जाओ बस 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 बस। गुड मॉर्निंग जी बादशाह। गुड मॉर्निंग, बहुत जल्दी तुम्हारी गुड मॉर्निंग नहीं, आज पता नहीं कैसे मेरी आंखें नहीं खुली, मैंने नाश्ता भी नहीं करा है, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। वाह भाई वाह, आज वैसे इत्तेफाक की बात है, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ यूसुफ भाई जल्दी नाश्ता करके जल्दी उठ के आ गए। हाँ वो दरअसल चाचा बाली ने जो है ना घर में रूल बना दिया सबको 11 बजे नाश्ता मिलेगा, तो सही है ना, रूटीन तो सही होगी। वैसे यूसुफ भाई है किधर? गाड़ी चेक करने का, वो वाइट वाली गाड़ी स्टार्ट कर दी तो। कल जितना उन्होंने काम करवाया ना उस गाड़ी पे, आज देनी भी तो है बंदे को। जो बात है, मैं जब तक नाश्ता करके आ रहा हूँ पठान के होटल से, वे तो यही मंगा लो। नहीं वहाँ बैठ के करूँगा ना, यहाँ बैठने की जगह नहीं है। चलो ठीक है जल्दी आना, और चाय लेके आ जाना एक। ओके चल भाई, गाड़ी तो एक नंबर चल रही है फुल, कोई शिकायत तो दे ही नहीं रही है, मस्त मज़े से चल रही है। बस आज कस्टमर आए उसको हैंड ओवर करें, गाड़ी इंग्लिश हो गई है जो बात है। ये सलीम भाई आ गए, चलो अच्छी बात है। हाँ यशु भाई क्या रिपोर्ट है? एक नंबर की रिपोर्ट है जानू, आया क्या कस्टमर का फोन वोन आया? नहीं अभी तक तो नहीं आया। सलीम भाई कहाँ है? वो पठान के होटल पे गया नाश्ता करने। क्या घर में? अबे हाँ साल आज देर से भी दौड़ा था, नाश्ता नहीं मिला होगा इसको। हाँ ना, खैर अच्छी बात है ना। बोटे यार बड़ा कन्फ्यूज हूँ। क्या यशु भाई? सोनिया के मामले में। क्या मतलब क्या कन्फ्यूजन है? उसको मेरे को ना बस मेरे से देखा नहीं जा रहा उसको, इस तरह 50-50 हूँ मैं। क्या मतलब? यार एक जगह उस पर मेरे को अफसोस भी हो रहा है और एक जगह मेरे को उस पर गुस्सा भी आ रहा है। तो तुम ना बेटा उस पर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। एक मौका देने में और क्या जा रहा है यार। नहीं यशु भाई
वो इस काबिल नहीं है यार, वो इस काबिल है ही नहीं बिल्कुल भी। तुम्हारे वो पहले वो इतनी वाट मार चुकी है यार। मैं मोटे यार तू ऐसी बातें मत कर, है तो आखिरकार औरत ही ना यार। अब मेरे हत्ते लग गई है, मेरे पाप ले दे के आई क्या? ये जो है ना ये भी ले जाएगी वो, 6 महीने तो गुजारा कर लेगी इन पैसों पे। नहीं ले जाने दूंगा जब ना, ये गाड़ियाँ तो अपनी आई नहीं। मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, मैं तुम्हें जितना समझा सकता हूँ उतना समझा सकता हूँ कि तुम उसके जाल में दोबारा मत फंसना। मैं बस चाह रहा हूँ कि उसको एक मौका और दे दूँ यार, ज़िंदगी का सवाल है। तू उसको तलाक दे दे बस, ख़त्म। अबे यार ऐसी कैसी बातें कर रहा है यार तू? तो अच्छा तलाक दे दूंगा तो अपनी बहन से शादी कराएगा? क्यों भाई, तूने ही कहा था उस दिन। अबे वो तो मैंने ऐसी जज्बात में बोल दिया था। साले मेरी ज़िंदगी उधाड़ने में लगा भाई तू। नहीं नहीं मैं क्यों दूंगा, पापा से बात करियो, पापा तो कभी मानेंगे भी नहीं तेरे लिए। भाई तो तुम लोग अपनी बहन की शादी कब करो, कुंवारा मारोगे क्या? मुझे क्या पता यार, शाला मेरी नहीं सोच रहा। तेरी तो जब सोचेंगे तेरी बहन की होगी। फिर भी यार चल, चाय मैं थली मैं को फोन कर बोल चाय लेते मैं पटान। हाँ मैंने पहले ही बोल दिया। चल ठीक है, चला जा फारूक। वाली किधर, सामान लेने भी तो जाना मेरे बेटे। वाली हाँ चलो चलो मेरे भाई। सोनिया जी चाचा, मैं जा रहा हूँ तेरा सामान लेने ना हलीम का दुकान तक, जनरल स्टोर तक। आप बेफिक्र हो, मैं घर में ही हूँ। वेरी गुड, बैठे मैं ताला मार के जा रहा हूँ। आप बेफिक्र हो, और कुछ लिस्ट हो या कुछ याद आ रहा हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है चाचा, चला जा। वाली पे नज़र रखनी पड़ेगी मेरे भाई, नजर वजर को मारो गोली। तुम आ जाओ अभी। आ रहा हूँ वाली, आ रहा हूँ। पैसे रख लिए? हाँ वाली मैंने रख लिए पैसे। चलो चला जा फाटो। चलो वाली। अच्छा सामान जा देना, क्या क्या लेना? हाँ वाली, 1 किलो गंदुम, 1 किलो मसूर की दाल, 1 किलो माश की दाल, और जौ दलिया, और आजा आजा बस याद रखियो, वहाँ जाके उसको बता दियो। ठीक है वाली, बैठो। अरे यूसुफ को तो बता दूँ। अबे वाली आराम से मेरे भाई, पूरा मैं उधर चला गया। यूसुफ भाई को बताना क्या लाजमी है, उनको तो वैसे ही पता होगा। नहीं बताया, आ जाओ हल्के चला लिया कर। ओ यूसुफ। अबे हल्के तो आ भाई, तू मारने जा रहे क्या किसी को? क्या हो गया इधर, क्या खड़े होकर बातें कर रहे हैं? मैं हलीम का सामान लेने जा रहा हूँ। हलीम का सामान? हाँ ना, आज वो हलीम पकाएंगे ना मेरे बेटे रात में। रात में हलीम है? हाँ मेरे बेटे आज हलीम रात है। दो जगह बनाऊँगा, तू कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा। वाह ज़बरदस्ती, मैंने पूछा भी नहीं है, तो तेरे को बताने तो आया हूँ ना मेरे बेटे। वाह भाई वाह। मैं जा रहा हूँ डेगे वगैरह लेने, ठीक है, और सामान लेने। तो बल्कि डेगा ना वो कैटरिंग वाला घर पर छोड़ के जाएगा, मैं सामान लेने जाऊँ, दाल जो दलिया जो कुछ भी आटा मसाले वसाले वो सब। तो एक काम करो, 15,000 रुपये मेरे अकाउंट में भेज दो। क्या हलीम की तू का पैसे मेरे से ला? तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर लो ना यार, गरीबों में बांटना है। पर वो दो डेगे बनाऊंगा, एक डेग बना ले। दो एक दो एक दो, वैसे देने तो दो, ये एक दो नहीं करो मेरे भाई। टू डाटा बीच में नहीं बोल, वरना एक दो करके ना तीन करके तेरे मुंह में दे देंगे। हाँ वैसे भी हम तीन ही हैं, तेरे को कहाँ गिन, तू अपने आप को नहीं गिना कर मेरे बेटे। तू तो शुरू होते खत्म है साले, एक सीटी मारूंगा ना यही भिट जाएगा साले। जा यार बेटा, तुम जाओ। अच्छा भेज रहा हूँ अभी, अपनी जेब से ले लो, कैश ले लेना मेरे से। लाओ कैश दो अभी, आ रही ना वो गाड़ी वाला आ रहा है, उससे हिसाब करना है। चलो ठीक है, दे देना टोपा नहीं देना। आ जाओ फाटू। चलो वाली, यूसुफ भाई टोपी ना दे दे मेरे भाई। नहीं ना नहीं देगा, इसके तो साले के चुटड़ों में हाथ डाल के निकाल लूँगा बेटे, बेटे टेंशन नहीं ले। तू तो जानता चाचा वाली पे पैसा निकालना कैसे जानता। मैं वाली क्या कर रहा है मेरे भाई, मेरे को लगा ये वाली के लिए कोई बात नहीं शॉर्टकट मार लेंगे बेटे बेटे यहाँ से। मैं वाली आराम से भाई, क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया आज? फुल तेरा चाचा जो है ना फुल आतरंगी मूड में है मेरे बेटे। सामान किधर से लेना है? सामान अपन यहाँ से लेंगे, ये कोने वाला जो जनरल स्टोर है। वाली सैंडी छोड़ दी, चक्कर नहीं मारा इतने दिन से। अरे अब क्या पूरा सैंडी स्टोर ऑन करते हैं मेरे बेटे, मार लेंगे कभी कभार चक्कर मेरे बेटे। अरे डीजल भी कम है, क्यों डलवा लेंगे ना मेरे भाई, वहाँ पे पेट्रोल पंप भी है बराबर में। हाँ ये आइडिया। ओ पार्टी वाले ऐ लालच तुम्हारी शक्ल पे। यार मेरा ना लेक्सस लेने का दिल कर रहा है। क्या वाली? लेक्सस? कौन सी वाली? अरे वो जो प्राडो लैंड क्रूजर टाइप की होती है वो वाली। क्यों वाली? अरे बस यार मेरा दिल भर गया सब। अबे क्या कर रहा है तू? देखा मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, मेरा दिल भर गया, तू देख ले संडाला लगा ले। चला जा नीचे उतरना छोटा कर। अबे आ रहा हूँ ना मेरे भाई।
फारूक ज़रा नजर में रखो वाली लैक्सस। ओके वाली मैं नजर में रखता हूँ। बेटे कितने की मिलेगी पता नहीं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मेरे भाई? बस मालिक का करम है जी। सरकार हुकुम। सरकार हुकुम, मिलाद में आए हुए क्या? खैर ये छोड़ो, हमको ना मसाला चाहिए हलीम का। अच्छा शान का क्या, नेशनल का? अबे वो वाला मसाला नहीं मेरे भाई, दालें चाहिए। ओ मिल जाएंगी, कौन कौन थी? अच्छा 1 किलोमीटर का डेटा वाली, 2 देगे बनानी, 1 किलो कम पड़ेगा, 3 किलो लो। अच्छा पक्की बात है? हाँ वाली। ओके 2 देगो में 3 किलो लगेगा और दाल आपको 3-3 किलो लेनी पड़ेगी। अच्छा 10 किलो टमाटर का डेटा, चने की दाल, जौ, दलिया और गरम मसाला, और वाली गोश्त भी तो लेना है, तो पहले दालें तो ले लें। समझो तो मैं तुमको बता रहा हूँ ना, ये तुम मेरे को सामान निकाल करो। हाँ जी अभी दे देता हूँ। अंडा पराठा खा खा के मैं थक गया हूँ, यहाँ पे कहीं पे हलवा पूरी मिलती ही नहीं है। क्या मस्त आदमी है यार। क्या कह रही हो? आपकी दाढ़ी अच्छी। थैंक यू। सब मुझ पे ऐसे ही लाइन मारते हैं, मैं KGF का रॉकी भाई जो लगता हूँ, 2.0 कह लो मुझे। लगता है यूसुफ भाई आ गए गाड़ी लेके। शबाना की याद आ रही है, सोनिया भी घर पे अकेली है, मौका बहुत अच्छा है। छोड़ो बल के फंस फंस आ गए तो खड़े एल पे एल लग जाएंगे। सिविक रिबॉन भी हमारी सही हो गई है। पैसा होता ना मैं ये वाली गाड़ी खरीद लेता। हाँ बस यही है, बाकी देख लो आपके सामने। ले ले माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही है, बस माने ना माने। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम अस्सलाम बड़ी। अबे तुम चाय नहीं लाए? अबे तुम्हें चाय बोली थी। मैं भूल गया, माजरत। मैं कब अली भाई आए हुए यार, उनके लिए चाय थी यार। Hey man, I need to talk to you. उनका नाम तो उमर था जिनकी गाड़ी है, ये उनके छोटे भाई है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गाड़ी कैसी लग रही है आपको? इन भाईजान ने आपकी गाड़ी पेंट करी है। अच्छा भाई जबरदस्त, माशाल्लाह। यकीन करें गाड़ी का एक कोना सीधा है। बिल्कुल, जितना हो सका उतना हमने सीधा किया, और पॉलीकेट नाम की कोई इतनी चीज़ नहीं लगाई है, लेकिन जाहिर सी बात है जितनी ज़रूरत थी उतनी ओवर नहीं। अब हथौड़ी मार के देख लो, फटेगी नहीं। अरे नहीं नहीं वो तो भाई ने गारंटी दी है, यूसुफ भाई ने। हाँ उसकी आप टेंशन ही नहीं लो। और बाकी मुझे आप ये बताओ ना, रिबॉन के कितने कर दोगे? भाईजान रिबॉन मैंने आपको बिल्कुल ऐसे रेट बताया ना, मार्केट में ऐसी गाड़ी मिलेगी नहीं इतने पैसे में, 22 लाख रुपये बिल्कुल डॉट है। आप कसम खिलवा लो मेरे से, ये डॉट है, इसमें बिल्कुल बचत नहीं है मुझे। अच्छा चलो मैं फिर आपको बताता हूँ, मैं इधर अपने भाई से बात करके फिर मशवरा करके फिर आपको बता दूंगा। कोई मसला ही नहीं है मेरी जान, आप देख गाड़ी वाड़ी की ड्राइव लो। सलीम भाई बिल्कुल, क्या बिल्कुल गाड़ी की ड्राइव लो ना। अबे चाचा बाली आए थे। क्यों? हलीम का प्रोग्राम है तो तुम घर जाओ। वो बोल रहे उनका फ़ोन आया, अभी कह रहे हैं कि शबाना को बोलो। ओ शबाना। शबाना भाई यार, एक तो औरत दो ही तो आई है ज़िंदगी में। सोनिया को बोलो कि ज़रा बर्तन वर्तन निकाल के रख दे, तो मोबाइल पे फ़ोन कर दो ना, मोबाइल लेना उसके पास। क्यों? मैंने लेके रख लिया। अच्छा तुम जाके बोलो कि बर्तन वर्तन निकाल के रखे, चाचा आ रहे दाल वाले भिगो के रखनी है उसमें। ठीक है, और अब तुम घर पर ही रुको। क्यों बेलना है? अबे तेरे चंपा रखूँगा, फिर देख वाला आएगा, 2 देगे देके जाएगा, और वो उसके डंडे गोटे लगाने वाले, वो सब लेके रख लेना। ठीक है, पैदल चलाया? नहीं थक जाऊँगा। एक तो नवाब पाले में मैंने भी सारे। धमाके मारने का मजा ही अपना है। चलो मौका बहुत अच्छा है। सोनिया क्या हुआ, तू दुकान नहीं गया? गया था। तो फिर और चाचा तो बाहर से ताला लगा के गए थे? नहीं। अच्छा क्या हुआ बोल। अबे क्या है बोल ना, क्या हो गया तुझे? वो मैं कह रहा था, दूरो दूरी तो हूँ, मैं कह रहा था कि चाचा वाली का फोन आया था, वो कह रहे थे कि बड़े बड़े बर्तन निकाल के रख दो। बड़े बड़े बर्तन? हाँ मेरा मतलब बर्तन निकाल के रखो, उसमें दालें भिगो के रखी है रात में हलीम के लिए। तू बाहर चला जा। जा रहा हूँ, उन्होंने बोला तेरे पे नजर रखो। बाहर निकल, नजर रखो के बच्चे।
मनुष्य अंदर नहीं आया कर तू, और मेरे से तो दूर रहा कर। ठीक है, तुम बड़े बड़े निकाल के रखो। अबे खरा को मेरा मतलब बर्तन। हाँ निकाल लू जा। बहुत कमीनी औरत है। मैं जितना चाह रहा हूँ कि मैं इससे आड़ में शादी कर लूँ, लेकिन नहीं। चलो कोई नहीं, जब तक देखवाले का इंतजार करते हैं।